हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आप सभी को मॉडल हेल्पिंग वर्ब की पैसिव कैसे बनती है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते कितने हैं। अगर हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इनकी संख्या 13 होती है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें जिसको हम हिंदी में विधिसूचक सहायक क्रिया कहते हैं, तो इनकी संख्या 13 होती है। तो हम उनको जान ले पहले कि कौन कौन से हैं। बिल, वुड, सैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड टू, आर टू, नीड, डेयर और मस्ट। इनकी संख्या कुल 13 है और ये हमारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब हैं जिनको हम हिंदी में विधिसूचक सहायक क्रिया कहते हैं। अगर सेंटेंस में इनकी पैसिव बनाने के लिए आ जाए तो हम इनकी पैसिव कैसे बनाएंगे। हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ऑफ मॉडल हेल्पिंग वर्ब हमारा जो आज का टॉपिक है वो कह रहा है कि हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अगर सेंटेंस हमारा जो है मॉडल हेल्पिंग वर्ब वाला है तो हम उसकी पैसिव कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके पैटर्न की बात करें, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद हम लिखेंगे मॉडल हेल्पिंग वर्ब। एम फॉर मॉडल हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो दिया रहेगा हम उसी को ही लिखेंगे। उसके बाद हम इसमें बी लगाते हैं, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म ईटीसी बाय और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। ये हमारा पैसिव बनाने का पैटर्न है कि सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट दिया रहता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। अगर नाउन है तो नाउन के रूप में लिखेंगे, अगर प्रोनाउन है तो उसको हम प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केज में लिखेंगे। फिर यहाँ पर जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा उसको लिखेंगे। कैन है तो कैन ही लिखा जाएगा, कुड है तो कुड लिखा जाएगा, वुड है तो वुड लिखा जाएगा, शुड है तो शुड लिखा जाएगा। उसके बाद उसमें हम बी जोड़ते हैं, बी ई। अब बी को जोड़ने के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ई टी सी अगर वाक्य में है तो ई टी सी का प्रयोग करेंगे। फिर बाय का प्रयोग करते हैं। अब बाई का प्रयोग करने के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर वो नाउन है तो नाउन ही लिखा जाएगा, अगर प्रोनाउन है प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्टिव पेज में लिखते हैं। तो चलिए मित्रों, हम इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे सी कैन सिंग ए सॉन्ग, सी कैन सिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गा सकती है। अब इसकी पैसिव बनाना है तो आप देख रहे हैं कि ए सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है, हम लिखेंगे यहाँ पर ए सॉन्ग। अब यहाँ पे मॉडल हेल्पिंग वर्ब हमारा कैन है तो कैन को हम कैन बी करके लिख लेंगे। पहले कैन, उसके बाद बी, फिर क्रिया हमारा यहाँ पे है सिंग, तो क्रिया की थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे, सिंग सैंग संग, यूटीसी है नहीं बाई। और एक्टिव वॉइस का जो करता था हमारा
सी है तो सी को हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे हर। इस तरीके से हमारे वाक्य की पैसिव बन जाएगी। दूसरा एग्जांपल, दे कुड विन द रेस एस्टरडे। अगला एग्जांपल हमारा है दे कुड विन द रेस एस्टरडे। अब इस वाक्य में पैसिव बनाना है तो आप देख रहे हैं कि इस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो द रेस है। हम इसको आगे लिखेंगे, द रेस हमारा एक नाउन है तो नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको वैसे लिखेंगे द रेस। फिर यहाँ पे मॉडर्न हेल्पिंग वर्ब कुड है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुड बी। कुड बी का प्रयोग करने के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म यहाँ पे बिन है, फर्स्ट फॉर्म जो की है यहाँ हम लिखेंगे वन। स्टडी हमारा ईटीसी है, फिर हम बाय लिखेंगे और दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। इस तरीके से वाक्य पैसिव बन जाएगी। अब हम बात करें अगले एग्जांपल की, यू आर टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। अगला एग्जाम्पल हमारा है यू आर टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अब हमें इसकी पैसिव बनाना है, इस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो है योर एल्डर्स। योर एल्डर्स हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मॉडर्न हेल्पिंग वर्ब हमारा है आर्ट टू, तो हम आर्ट टू भी लिखेंगे आर्ट टू भी। अगला एग्जांपल हमारा है यू आर टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब हमें इसकी पैसिव बनाना है तो इस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो है योर एल्डर्स। योर एल्डर्स को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मॉडल हेल्पिंग वर्ब है आर टू, तो आर टू को हम आर टू भी लिखेंगे और आर टू भी का प्रयोग करने के बाद क्रिया हमारी है रेस्पेक्ट, यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे रेस्पेक्टेड ईटीसी है नहीं बाई। अब इस वाक्य का जो कर्ता एक्टिव वॉइस का यू है हम यहाँ पर यू ही लिखेंगे और इस तरीके से वाक्य पैसिव बन जाएगी।